संजय राउत की पत्नी को ईडी का समन मिला है। वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजा है। वर्षा के खाते में लेन देन के सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये समन किया गया है संजय राउत की पत्नी को। हालांकि संजय राउत की कस्टडी भी बढ़ा दी गई, उन्हें बड़ा झटका लगा कोर्ट की तरफ से। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी ने समन भेजा है। वर्षा के खाते में लेन देन के सबूत ईडी को इस पूरे मामले की जांच में मिले, जिसके बाद अब उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। इस पूरे मामले में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि उनके परिवार की संलिप्तता को लेकर जो पहले से बात कही जा रही थी, अब उनकी पत्नी के खाते में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, मतलब लेन देन की खबरें जो आई हैं, उसी के सबूत ईडी को मिले हैं, जिसके बिना पर वर्षा राउत या संजय राउत की पत्नी उन्हें समन किया गया है। अश्विन पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अश्विन, और क्या डिटेल है, क्या जानकारी है इस बाबत? अश्विन, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी देखिए, आपको बता दें कि कोर्ट में आज साफ तौर पर ईडी ने बताया था कि जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अश्विन, सारी जानकारी दीजिए आप। जी आपको बता दें कि आज जब कोर्ट में ईडी पहुंची थी संजय राउत को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि उनके पास कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल सामने आई है। और जो हमारे सूत्र हैं ईडी में, उन्होंने बताया था कि साफ तौर पे कि 5, 6 और 8 तारीख को कई लोगों को समन्स करके बुलाया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्षा राउत के अकाउंट में 1,08,00,000 रुपये डाले हैं। आपको बता दूँ कि 1,06,00,000 रुपए की जानकारी पहले ईडी को मिली थी, और नई जानकारी के मुताबिक 1,08,00,000 रुपए और भी वर्षा राउत के अकाउंट में डाले गए। ये जो है पैसा किन किन लोगों ने डाला है, किन वजहों से डाला है, ये पूछताछ करने के लिए उन लोगों को भी समन भेजा गया है, साथ ही वर्षा राउत को भी समन किया गया है, ताकि ये पता चल सके कि किन कारणों से उनके अकाउंट में इतना पैसा आया। क्योंकि संजय राउत को जब इन सवालों के जवाब पूछे जा रहे थे, तब संजय राउत के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिरकार 1,08,00,000 रुपए वर्षा राउत के अकाउंट में कैसे आए। वर्षा राउत पेशे से जो है टीचर रही हैं, और ऐसे में इतना अमाउंट आने के पीछे एक ही वजह हो सकती है कि संजय राउत कहीं ना कहीं उसके पीछे होंगे। यही वजह रही कि पहले संजय राउत से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई, लेकिन संजय राउत की तरफ से कोई सही जवाब जब नहीं मिला, तो वर्षा राउत को समन किया गया है, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे आए हैं। ऐसे में जो जांच है, वर्षा राउत से फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपको ये भी बता दें कि वर्षा राउत को पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया, और दूसरी बार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और अब फिर से वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ताकि ये पता चल सके कि जो 1,08,00,000 रुपये की नई जानकारी ईडी को हाथ लगी है, ये पैसे किससे आए हैं। साथ ही उन लोगों के नाम भी निकाले गए हैं अकाउंट्स के जरिए, जिनके अकाउंट से पैसे वर्षा राउत के पास आए हैं, तो उन्हें भी 5, 6 और 8 तारीख को अलग अलग डेट पे अलग अलग लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ताकि ये साफ हो सके कि ये इतने पैसे वर्षा राउत के अकाउंट में क्यों दिए जा रहे थे। क्या इसके पीछे संजय राउत थे, या संजय राउत ने किसी से कहकर ये पैसे वर्षा के अकाउंट में डलवाए हैं। तो ये जो तमाम जाँच है वो राउत परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वर्षा राउत, संजय राउत, साथ ही जो संजय राउत के करीबी दोस्त हैं प्रवीण राउत, इसमें कहीं ना कहीं मुख्य सूत्रधार रहे हैं। हालांकि ईडी ने साफ तौर पे कहा कि प्रवीण राउत एक तरह से संजय राउत का फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फ्रंट मैन के का मतलब ये साफ है कि संजय राउत ही इन तमाम जो गड़बड़ी हुई है, पत्राचार घोटाला, उसके पीछे कहीं ना कहीं रहे हैं, और प्रवीण राउत उनके फ्रंट मैन के तौर पर काम करते रहे हैं। ये दावा ईडी ने कोर्ट में किया था, और जैसे जैसे आज जो है आग ये जाँच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जाहिर सी बात है वर्षा राउत की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल संजय राउत जेल में है, उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब वर्षा राउत से पूछताछ आपसे और जानकारी अश्विन पर लेते रहेंगे इस बाबत, लेकिन फिलहाल अभी संजय राउत की मुश्किलें कम तो नहीं हो रही हैं।